जादूगर जफर, बहुत परेशान लग रहे हो। मुझे मेरा खोया हुआ शरीर वापस चाहिए। मेरी ताकत दिन ब दिन कम होती जा रही है। जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। सातवीं बड़ी अमावस की रात, अगर तुम्हें तुम्हारा शरीर वापस नहीं मिला तो तुम अपनी आखिरी सांसें लोगे। ये सब मुझे मालूम है, इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता हो तो बताओ। एक रास्ता है मेरे पास, बुरजुमन का जादुई चिराग। बुरजुमन का जादुई चिराग। अब अगर कोई तुम्हें तुम्हारा शरीर वापस दिला सकता है तो वो उस पुराने जादुई चिराग का चिनी और कोई नहीं। उस जादुई चिराग को हासिल करने की मैं पहले भी कोशिश कर चुका। तो क्या हुआ, एक बार फिर कोशिश करके देखो। ठीक है, मैं उस जादुई चिराग को हासिल करने की एक बार फिर से कोशिश करूंगा। तुम जितनी कोशिश कर सकते हो कर लो जफर, पर जाना तो तुम्हें वहीं पड़ेगा, जरीनाबाद। मेरी सगी बहन नहीं होती ना तो मैं तो कब का तुझे कचरे के डिब्बे में जाकर फेंक देती। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है, जा जाके झाड़ू मार सारे घर का, और नहाने के लिए मेरे लिए गर्म पानी ले आ, सबका नाश्ता तैयार कर, और फिर बाजार जाकर खाने का सारा सामान ले आ, समझा। अरे हाँ, आज मकान मालिक आने वाले हैं अपने बच्चों के साथ खाने पर, पूरा घर चमकना चाहिए। आज मेरे पाशा को नाश्ते में खीर पूरी चाहिए, और अगर पिछली बार की तरह खीर में मीठा कम हुआ ना तो मैं तेरे हाथ जला दूंगी, समझा। कैसा लड़का है ये, थक गई हूँ मैं इससे। अरे तुम लोग बैठे बैठे बातें कर रहे हो, चलो चलो अभी और भी बहुत सारी तैयारियां करनी है। जैसे कि आप सब जानते हैं, कल शाम हम अपनी बेटी शहजादी जासमीन की सालगिरह का जश्न मनाने जा रहे हैं। हमने फैसला किया है कि इस बार हमारे पड़ोसी रियासतों के शहजादे ने, बल्कि हमारे जरनाबाद में रहने वाले सभी लोगों को बुलाया जाएगा। वो अमीर हो या फकीर, चाहते हैं कि हमारी पूरी रियासत हमारे इस महल में आए और जश्न में शरीक हो। इसलिए आप लोग जाइए, जाकर हर जगह ऐलान कीजिए कि सुल्तान अपनी बेटी की सालगिरह इतनी शानदार तरीके से मनाने जा रहे हैं कि फरिश्ते भी खुद दुआ देने हमारे महल में चलकर आएंगे। आप जाइए। पता नहीं हमारी शहजादी का शहजादा दुनिया के किस कोने में छुपा होगा।
पाशा लो और खाओ। खाओ बेटा, कितना पतला हो गया है तू। अलादीन! जी खाला आया। अम्मे ये ले और खा। खाला कुछ नहीं, आज खीर अच्छी बनी है ना। कहाँ अम्मी, आज फिर खीर में मीठा कम है। अलादीन, मैंने तेरे को पहले ही कहा था कि पाशा को मीठा अच्छा लगता है, पाशा को मीठा अच्छा लगता है, लेकिन तुम अब इसे बोलने से क्या फायदा। ये सब तो इसे यहाँ लाने से पहले सोचना चाहिए था। पता नहीं कहाँ कहाँ से उठा लाती हो सबको। और तू क्या देख रहा है मेरे मुख को, जा बाजार से और सामान लेकर आ। खाला वो नाश्ता खाकर जाओ। नाश्ता करके जाऊं? बदकमीज, दो मुफ्त रोटी मिलती है, खुश हो जा, चल जा यहाँ से। जुनेद, अरे गले वाले बाद में, पहले नाश्ता। मम्मी ने अभी गर्मा गर्म बनाया, चला जा। तुमने खाया? मैं बाद में खा लूं, पहले तुम खा लो। जुनेद के बगैर अलादीन कैसे खा सकता है। लो। अलादीन, आखिर कब तक चुप रहोगे? जब तक कुछ बोलने के काबिल ना बन जाऊंगा। पर वहां इस तरह से मार खाते खाते तुम जिंदगी में कभी किसी चीज के काबिल नहीं बनोगे। और कर भी कह सकता हूं मैं, हाँ इस तरह बिना जेब में पैसे लिए कहां जा सकता हूं, बोलो। अलादीन इस तरह से तो सुनो सुनो सुनो, कल शाम शहजादी जासमीन की सालगिरह है। इस साल शहजादी की सालगिरह पे सुल्तान ने पहली बार आप सबको महल में दावत के लिए बुलाया है। शाही दावत, वो भी सुल्तान के शाही महल में, ऊपर से शहजादी जासमीन को देखने का मौका। मैंने सुना है कि उन्होंने आज तक अपने पांव जमीन पर नहीं रखे। उनके हाथ इतने कोमल हैं कि उन्हें छू लो तो पिघल जाए। कहते हैं कि वो अपनी बातें बिना कहे
अपनी आंखों से कह देती है। सुना है कि वो आज तक अपने महल से बाहर नहीं निकली। क्यों, उन्हें बाहर जाना पसंद नहीं? बुद्धू, सब कुछ तो होगा महल में, लड्डू, पेड़े, बर्फी, शाही पोशाक, उन्हें बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं महसूस होती होगी। शहजादी जैस्मिन, ये आप क्या कर रही है? अपनी 2 पल की आजादी का मजा ले रही हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि तुमने तो अपने पैर जमीन पर कई बार रखे होंगे, लेकिन मुझे अपने पांव जमीन पर रखकर ये देखना है कि कैसा लगता है। मुझे अपने हाथ मेहंदी से नहीं, मिट्टी से रंग कर देखना है कि कितना मजा आता है। शहजादी जैस्मिन, अगर आपने सुल्तान के सामने कभी भी ऐसी बात की ना, तो वो तो आपको आपके कमरे से भी बाहर निकलने नहीं देंगे। कल आपकी सालगिरह है, और क्या पता कल ही आपको कोई शहजादा मिल जाए जो आपको यहाँ से भगाकर आसमान की सैर कराए। क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो जरूर होगा। कहाँ होगा वो? दिन, लेकिन तुम्हारे पास पहनने के लिए नए कपड़े हैं या नहीं? मेरी फिक्र मत करो, मैं कुछ भी पहन लूंगा। देख कर नहीं जा सकते बेवकूफ,
मुझे तो लगता है इसने हमें जानबूझकर गिराया है। देखो ये सब गलती से मैं बहुत तेज समझते हो खुद को। हाँ अब इन कपड़ों के पैसे तुम्हारे अब्बू देंगे। बोलो बोलते क्यों नहीं, तुम्हारे अब्बू देंगे पैसे। पता तुमने हाँ गलती सिर्फ इसकी नहीं तुम दोनों की भी है। जुनैद पे हाथ उठाया तूने, जुनैद को धक्का दिया। जुनैद जुनैद रुक जाओ जुनैद, मेरा दोस्त को मारेगा। तुम दोनों को तो हम देख लेंगे। देखो तुम झूठी सी बात का पहाड़ बना रहे हो। अब तुम्हारे अब्बू से कपड़े तो धुलवाएंगे भी और इन कपड़ों के पैसे भी लेंगे हम, देख लेना। इससे पहले कि अब मेरा भी हाथ उठ जाए चले जाओ यहां से और जो करना है कर लो। वाह मेरे शेर वाह, इतना ही गुस्सा तुम अगर घर पर दिखाओ ना तो ये जुनैद मियां मान जाए तुमको। उसके लिए फरीदा खाला है घर पे और वैसे ही मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूं। अलादीन कहाँ मर गया था तू? हाँ जी खाला, वो मैं अबू यही था वो लड़का। क्या क्या वो तू ही था? तेरी ये हिम्मत हमारे मकान मालिक के बच्चों पर हाथ उठाया? चल माफी मांग इन दोनों से। खाला, चल खाला। ऐसे नहीं, अपना सर हमारे पैरों पर रखकर बोलो। सुना नहीं मेरे भाई ने क्या कहा? जैसा कहते हैं वैसा ही कर मनहूस। मुझे माफ कर दो। हमें सुनाई नहीं दिया। मुझे माफ कर दो। आज के बाद ये बात हमेशा अपने जहन में रखना कि जूतों की जगह हमेशा पैरों में होती है, सर पर नहीं। चलो चलो बहुत तमाशा हो गया, बस चार दिन का और वक्त है तुम्हारे पास। अगर तब तक किराया नहीं भर दिया तो अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर लेना। मैंने यह धर्मशाला नहीं खोल रखा है, चलो। मनहूस ये सब तेरी वजह से हुआ है, काश मैं तुझे कभी यहाँ नहीं लाती। आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। कपड़ों के पैसे तुम्हारे अब्बू देंगे। बोलो बोलते क्यों नहीं, तुम्हारे अब्बू देंगे पैसे। आज के बाद ये बात हमेशा अपने जहन में रखना कि जूतों की जगह हमेशा पैरों में होती है, सर पर नहीं। अलादीन हिम्मत मत हारो अलादीन, एक ना एक दिन तुम अपना रास्ता जरूर ढूंढ लोगे, बस सही वक्त के आने का इंतजार करो। अपने रास्ते में आने वाले सही इशारों को पहचानते जाओ। अब अपने आंसू पोंछ लो अलादीन, बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है, बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। Thank you.
मैं हमेशा ही तुम्हारे पास रहूंगी अलादीन। बहुत जल्द ही तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। तुम्हें अच्छी तरह से मालूम था कि मैं उस चिराग के पास भी नहीं पहुंच पाऊंगा, फिर तुमने मुझे वहां क्यों जाने दिया? क्यों? उस चिराग को सिर्फ एक ही लड़का हाथ में ला सकता है जादूगर। कौन है वो? जोया और जहीर का बेटा अलादीन। अलादीन?